अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप लोग? मैं आज आप लोगों को मोंगरे आलू बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत मज़े के बनते हैं। ठीक है, मोंगरे आलू हमने इस तरह काटने हैं जैसे भुजिया के बनाते हैं ना, उससे थोड़े से मोटे। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा और ये नमक मिर्च मसाले हैं। अब हम शुरू करते हैं। हल्के से ऑयल में प्याज डालने हैं, प्याजों को लाइट ब्राउन सा करना है, फिर उसके बाद हम वो लहसुन और हरी मिर्चें डालेंगे। मोंगरे बहुत मज़े के बनते हैं, आलू के साथ और तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। मोंगरों को बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये लंबे लंबे होते हैं और फिर इनको साफ़ करना जो होता है ना, वो बड़ा मेहनत का काम है। एक एक मोंगरे को पकड़ के इस तरह काट के हाथों से करना पड़ता है, छुरी से नहीं करना पड़ता। जैसे ही लाइट ब्राउन होते हैं फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे। यहाँ प्याज हो गए हैं लाइट से ब्राउन, अब मैं इसमें हरी मिर्चें और लहसुन जो है ना कुटा हुआ वो डालूँगी। ये लहसुन और मिर्चें जो है ना, ये मैंने आपको बताया था ना चॉप करने का तरीका, ये वो वाले मैंने किया हुआ था। मैंने कहा आपको साथ बता दूँ, याद दहानी करा दूँ कि मैंने वो वाला, मैं भी वही इस्तेमाल करती हूँ जो मैंने घर में खुद बनाया है। आप लोग भी इसी तरह बना के रखा करें और जल्दी जल्दी जो है ना वो खाना बन जाता है, टाइम की बचत हो जाती है। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा ब्राउन होता है और उसकी स्मेल ख़त्म होती है तो फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगी और साथ मसाले डालूंगी। ये लाइट लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, ये तीन नॉर्मल साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, वो मैं डाल रही हूँ। तो साथ ही मैं मसाले ऐड करूंगी, चूल्हे को थोड़ा सा हल्का करने ताकि मसाला गल ना जाए। मिर्चें जो है ना आपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये बड़ी तेज़ मिर्च है मेरी। मैं इसमें ये आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आधे से थोड़ा नमक डाल रही हूँ। सब ये टेस्ट आपने अपने हिसाब से करना है। ये कुटी लाल मिर्च है ये डाल रही हूँ, थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ और गरम मसाला और सूखा धनिया जो है ये मैं बाद में एंड पे ऐड करूँगी। अब इस वक्त हम ज़ीरा भी साथ थोड़ा सा डाल देंगे। ज़ीरा आपको पता है कि मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी हर रेसिपी में ना ज़ीरा ज़रूर डालती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर छोड़ जाएंगे ताकि ये टमाटर जो है ना थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। इसको 5 मिनट आपने छोड़ देना है। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं, ये देखें मसाला माशाल्लाह, टमाटर भी नरम हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे ताकि इसका घी निकल आए, फिर इसमें हम मोंगरे डालते हैं। टमाटर नरम हो गए हैं बिल्कुल। आजकल टमाटर जो है बहुत महंगे हो गए हैं, घरों में लगाना शुरू कर दें। मैंने भी लगाए हुए हैं लेकिन अभी पौधे ज़रा थोड़े छोटे हैं, सर्दियों तक सही टमाटर लगने शुरू हो जाएंगे माशाल्लाह। ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इधर ये मोंगरे डाल रही हूँ क्योंकि मोंगरों में भी थोड़ा सा टाइम लेना होता है। ये देखें अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इनको छोड़ दूंगी ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम बाद में आलू डालेंगे। आधे गिलास से भी थोड़ा पानी मैंने डाला है और चूल्हा थोड़ा सा हम
आहिस्ता कर देंगे ताकि मोगरे जो है ना वो अच्छे से नरम हो जाएं, फिर हम आलू डालेंगे। अब मैं देखने लगी हूँ मोगरे बहुत सॉफ्ट हो गए हैं माशाल्लाह। मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलू डाल के फिर आधा ग्लास पानी डाल दूंगी ताकि अब आलू भी जो है ना वो नरम हो जाएं, और 10-12 मिनट में हमारी ये आलू मोगरे जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। आप लोगों ने नमक जो है वो चेक कर लेना है अपने हिसाब से, जितना नमक आपको मिर्च जितनी चाहिए उस हिसाब से आपने डालना है। और अभी नमक मिर्च डाल देंगे तो ठीक है, फिर मिर्च जो है ना कच्ची कच्ची रह जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको ढक्कन दे के बंद कर रही हूँ। आप थोड़ी देर बाद बीच में चेक कर लें आलू नरम ज़्यादा ना हो जाए, और फिर 5-7 मिनट के बाद फिर मैं दोबारा आपसे मिलूं। हो गए हैं, मैं अब चेक करने लगी हूँ कि आलू हमारे हो गए हैं कि नहीं। ये देखिए आलू मोंगरे कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आलू चेक करके देखती हूँ आलू हो गया कि नहीं। हाँ जी हो गए आलू। थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ ले तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। मोगरे हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ। तंदूर की रोटी के साथ खाएं और एंजॉय करें, और मुझे बताएं कि आपको आलू मोगरे कैसे लगे।